नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जनपद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की। वहीं थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के कैलसा अमरोहा रोड का है, जहां शाम को पुलिस सड़क पर चेकिंग कर रही थी। वहीं सामने से आ रही एक बाइक को जब पुलिस ने रोकने का इशारा दिया तो उस बाइक सवार ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करी। अभियुक्त ने अपना बचाव करते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और बदमाश के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस की बदमाश के पैर पर गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस और साथ ही एक मौके से मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आज थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में थाना पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सामने से एक व्यक्ति, बाइक सवार व्यक्ति आया, जिसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि इस व्यक्ति का नाम चांद बाबू है। इसके खिलाफ पहले पूर्व में 5 अभियोग पंजीकृत हैं। इस व्यक्ति के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा एवं संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।